अभी तक मैं न सारी उसकी बम, बम को अगर एक तरफ रख दें तो इससे पहले वाले मॉड्यूल्स के अंदर मैंने आपको जितनी जारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए एनर्जी के लिए ज़रूरत हो मेडिकल डायग्नोसिस के लिए थेरापी थेराप थेरापिटिक्स के लिए उन सब के लिए मैंने आपको बताया कि उनकी क्या क्या उसकी ज़रूरतें होती हैं मतलब उसकी अच्छायाँ क्या क्या हैं तो सारी जैसे कई मतलब मैं बोल चुका हूँ कि हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं जो इनहेरेंट है ऑलमोस्ट विद एवरी टेक्नोलॉजी तो इसी तरह से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का भी यही किस्सा है कि उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जरा कुछ चीज़ें एहतियात से ठीक हो सकती हैं कुछ चीज़ों का कोई इलाज नहीं है जिसको हमने अभी तक के देखा हो तो उन उनके उसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी पे बहुत सारी सस्पेशनस भी हैं कि भाई ये आइंदा जाके ये काम इससे होता रहेगा कि नहीं होगा तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो न्यूक्लियर प्लोफ्रेशन का है न्यूक्लियर प्लोरीफेशन का मतलब ये कि कुछ लोगों के हाथों में न्यूक्लियर uh, टेक्नोलॉजी आ जाए है ना गवर्नमेंट की बात नहीं कर गवर्नमेंट तो फिर भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं अपने तौर पर वो कुछ ना कुछ कर लेती हैं लेकिन बाज़ ऐसे इंतजार पसंद लोग हैं फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पास ज़रूरी नहीं कि बम आए है ना ज़रूरी नहीं कि एक अटामिक बम आए वो अटामिक बम उनके पास आएगा तो शायद उनको फोड़ने का तरीका भी ना आता, ना आता हो उन लोगों को दो इंतजार पसंद लोग हैं लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनके पास अगर थोड़ा सा मतलब एक किलोग्राम फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235 यूरेनियम 238 का मिक्सचर आ गया हाँ वो कहीं जाके पानी में डाल दें या कहीं जाके हवा में फेंक दें किसी गुबारे से कुछ भी वो कर सकते हैं ना कोई ऐसे किस्म की उल्टी सीधी हरकतें दिमाग में तो लोगों की आ ही जाती हैं तो वो अगर वो उस तरह आ जाए तो वो फिर तो सारा का सारा शहर ख़राब उसको फिर सफाई कैसे होगी हो? वो काफ़ी अरसे तक की ये खराबी चलती रहेगी अभी आप देखें आ, जो चरनोबल वाला प्लांट का जो मसला है वो कब शुरू हुआ था और अभी तक के वहाँ पे उसके आसपास कई किलोमीटर तक के कि कोई रह ही नहीं सकता तो अगर इस किस्म की कोई चीज़ किसी बड़े शहर में न्यूयॉर्क में हो जाए वाशिंगटन डीसी में हो जाए कराची में हो जाए तो वो तो बड़े ख़तरे की बात है ना अब दुनिया में इंतशार पसंद अक्लमंद और बेवकूफ़ हर किस्म के लोग हैं ना तो वो इन किसी के हाथ में अगर आ गई तो बड़ी मसले वाली बात है तो ये न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी तरह किस तरह इसको आ, एक, एक कुछ हाथों में रखा जाए और हर इतनी आम तरीके से उसको ना मिल सके अब उसके लिए जैसे मैंने बताया था उन्नीस में जिमी कार्टर ने कहा था कि अब हम कोई और न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनाएंगे क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से ये बन सकता है कि उसमें उस से प्लूटोनियम बन जाए प्लूटोनियम बन जाए तो बम कोई भी बना सकता है तो ये जो आखिरी लाइन जो है ना बड़ी मैंने सोच समझ के लिखी इसमें कि जो इंडिया पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनका कहना यह है अब वल्ला आलम इतनी तो तफसील मैं नहीं जानता कि शायद इनमें से भी प्लूटोनियम दस्तियाब होता रहेगा होता रहा है और उसी से वो एटॉमिक बम बनते रहते हैं तो उससे काफ़ी आगे तक के बढ़ने का इसका इम्कान होता है तो ये इन इनका कंट्रोल कैसे किया जाए अब वो सारी दुनिया रो रही है ईरान के ऊपर है वो वो अब वो आ, उनका सारा कहना यह है कि भाई जो कम से कम हमारे पास तो है लेकिन हम आप और किसी को नहीं लेने देंगे क्योंकि हमारे हम तो इतनी क़ुत हमारी इसमें है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप लोग नहीं कर सकते ये उनका कहना है है ना हालांकि दुनिया की वाहि मुल्क दुनिया का वाहि मुल्क जिसने अटामिक बम इस्तेमाल किया वो अमेरिका है ये आपको पता है तो वो वो एक अगर वो पॉलिटिकल चीज़ हो जाती है उसमें नहीं जाता लेकिन बहरहाल ये एक परेशानी ज़रूर होती है न्यूक्लियर वालों के साथ आपको शायद पता नहीं अंदाज़ा याद हो कि ना हो उन्नीस पिछहत्तर की बात है जब ये कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप हो रही थी तो उन्होंने एक बड़ी सी नुमाइश लगाई थी कराची में उस कराची में उन्होंने वो जो पैलेट मैंने आपको दिखाया था ना वैसे एक न्यूक्लियर पैलेट एक तरफ रखा हुआ था और एक तरफ ए टनो कोयला एक तरफ रखा हुआ था ना कि ये इसकी जो मकदार है इसकी एनर्जी के बराबर है दूसरे दिन आए तो वो पैलेट गायब हो गया किसी ने वो पैलेट चुरा लिया वहाँ से नुमाइश में से तब वो कितने खतरे वाली बात है ना वो मिल गया था बाद में लेकिन कितने खतरे वाली बात है ना कि उसको कोई चूरा करके कहीं भी कोई दुश्मन हो किसी के पास डाल दे तो वो तो फिर बड़ी परेशानी वाली बात है तो वही कहानी वही है छोटी सी कहानी है उसको बड़ा कर लें तो इंटरनेशनल पैमाने पे, पे भी यही यही मसला होता है दूसरा बड़ा मसला ये है वेस्ट डिस्पोजल का जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मसला है इन लोगों का है? वो ये ये है कि हर किस्म का वेस्ट इनका डिवेलप होता है लो लेवल वेस्ट जैसे आपने कोई कपड़ा लिया उसे सफाई की अपने न्यूक्लियर के आसपास अगर थोड़ा भी एक दो भी एटम हो ना एक दो भी रेडियो न्यूक्लिया उसके अंदर हो तो वो उसमें आ गए उसका क्या करेंगे वो फिर उसको तो इस तरह बाहर नहीं छोड़ सकते अगर किसी ने भी उसको इनहेल कर लिया तो देन दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग तो उसका वो सारा जो लो लो लेवल जो है वो है जितना माइनिंग हर किस्म की माइनिंग कोई भी माइनिंग हो उसमें से टेलिंग्स निकलती है मतलब जो आदमी जो सफाई कर रहे हैं निकाल रहे हैं उसमें भी होता है ये तो नहीं कि सिर्फ एक जगह एक पॉकेट में यूरेनियम छुपा हुआ है सब जगह थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें आप खोद के निकालेंगे जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो तो आपने ले लिया अपने इस्तेमाल के लिए बाकी का क्या करना है वो भी एक वो है फिर आपने न्यूक्लियर नु, फ्यूल बना लिया वो रॉड्स जो मैंने आपको दिखाई थी वो रॉड्स सारी बन गई अब वो रॉड्स की एक उम्र होती है वो बिल्कुल निन फीसद तक के नहीं चलती सारे यूरेनियम टू थर्टी फाइव का इस्तेमाल यूरेनियम 235 का मुझे एग्जैक्टली exactly नंबर तो नहीं पता लेकिन वो सारा नहीं खर्च होता उसमें से कुछ ना कुछ इसमें रह जाता है अगर यूरेनियम 235 ख़त्म भी हो जाए ना तो यूरेनियम 238 तो है ही उसके अंदर तो उसको क्या उसका क्या करेंगे अब जो स्पेंट फ्यूल जिसे कहते हैं जो जिसका काम उसका ख़त्म हो गया चालीस साल के बाद पचास साल के बाद या बीस साल के बाद वो ले आके कहाँ रखेंगे अभी मैं उसकी कहानी बताता हूँ कि वो कहाँ जाता है तो वो वो एक बहुत बड़ा है अब इन सब चीज़ों का आप देखें इन सब की हाफ लाइफ मिलियज ऑफ़ ईयर्स 238 थर्टी एट की बिलियन्फ़ ईयर्स यूरनियम टू थर्टी की तो वो तो रहेंगे हमारे आपके साथ हमारी उम्र इतनी बिलियन्स ऑफ ईयर्स मिलियन्फ़ ईयर्स नहीं है तो हमारी तो बहुत सारी जनरेशन जो है उसको सफ़र करती रहेंगी तो वो उसका इलाज क्या है ना किसी उनके पास है ना हमारे पास है किसी के पास नहीं है इलाज इसका वो उसका अमेरिका में ये करते हैं कि उनकी शर्त यह है कि ठीक है आप न्यूक्लियर नु, फ्यूल ज़रूर बनाएं न्यूक्लियर पावर प्लांट जरूर बनाए ये सब प्राइवेट कंपनी बनाती है ना कोई गवर्नमेंट का तो काम ही नहीं है इसमें लेकिन ये जो भी आपका न्यूक्लियर फ्यूल जो भी वेस्ट है उसको आप बाहर नहीं भेज सकते भेज सकते उसको आप अपने हाथे में ये एक वो बनाए जगह पाउंड ये भी इसमें अभी भी चल रहा है ना काम थोड़ा बहुत फिशन चलता रहता है ना तो इसका मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी इसमें से निकलती रहती है तो उसको फिर पानी के अंदर रखना पड़ता है तो ये जो आपने ऊपर देखा जब पाउंड बने हुए ये एक किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर पाउंड है उसके अंदर जितने भी स्पेंट फ्यूल वगैरह जो है ना खास तौर पे सबसे ज्यादा जो डेंजरस चीज़ है वो स्पेंट फ्यूल रॉड्स हैं उनको लाके इसके अंदर रखा जाता है अब वो जितने साठ साल की है सौ साल की उम्र है वो सारे स्पेंट फ्यूल उसके अंदर जाके रखेगा वो इतना ये जितना आप देख रहे हैं इतना काफी होता है सारे स्पेंट फ्यूल को जमा करने के लिए लेकिन इसके बाद का इलाज किसी के पास नहीं है सौ साल के बाद क्या करेंगे इसका वो सौ साल तक के लोगों की हद नजर जाती है उसके बाद तो अब देखेंगे क्या होता है उसका एक उन्होंने नतीजा निकाला था मैं उसकी बताता हूँ अभी कहानी और ये नीचे जो है उन्होंने कहा कि अच्छा जो लो लेवल फ्यूल है उसको इस तरह कार्टन में भर के उसको सीमेंट और ग्लास वगैरह में लगा के जैसे एक स्टोरेज कैस्क बना देते हैं और फिर उसको जमा करते रहेंगे जब तक के कोई और हल ना समझ में आए हमें तो वो बिल्कुल अधूरी कहानी है उसी अधूरी कहानी पे सारा इनका किस्सा न्यूक्लियर वालों का चल रहा है तो इन्होंने एक तय किया कि अच्छा चलो एक जगह जाके एक बड़ा सा गार बनाते हैं टनल उस टनल के अंदर इतनी गुंजाइश है कि उसकी 77,000 टन कैपेसिटी है 77,000 टन कैपेसिटी। तो उन्होंने कैलकुलेट किया था कि जितने भी हमारे पास 100 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं सब के सब खत्म हो जाए ना उन सब को ताड़ के इसके अंदर भर सकते हैं तो पूरा बन गया इसकी कॉस्ट जो है कोई सेवन बिलियन डॉलर्स से ये बना है यका उसको कहते हैं यका माउंटेन प्रोजेक्ट एरिजोना के अंदर है ये अब वो सब बन गया उसके बाद उन्होंने जो जियोलॉजिकल टेस्टिंग शुरू की तो पता चला यहाँ तो ऐसे जलजले आते हैं कि अगर पचास साल में एक जलजला ऐसा आएगा कि सब टूट जाएगा ये सब बनने के बाद पूरा बिल्कुल बना हुआ है ट्रेन हैं इसके अंदर आ, सारी मो, मोशन का सारा काम है इसके अंदर लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये तो गड़बड़ होगी और वो उन्होंने वैसे ही वैसे बंद करके अब वहाँ पर चूहे रहते हैं और कोई नहीं रहता वो बंद करके वापस आ गए तो ये वही कहानी है कि अभी तक के कोई ऐसा नतीजा नहीं आया अब ये अब देखें आज तक के सौ माइन्स नाइन्टी कमर्शल पावर प्लांट टू रिसर्च रिएक्टर्स एंड मैनी फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज ये सारी जो देखें आप कितने तीन चार सौ के करीब है ना ये जो है इनकी उम्रें खत्म हो गई लेकिन उनका कोई हल नहीं है कि इनका क्या किया जाए एक मरतबा मैं वहाँ रोमानिया गया था रोमानिया में एक पुराना वो था सोवियत टाइम का रिएक्टर जो काफ़ी अरसे पहले बंद हो गया था उसको बिल्कुल उन्होंने सील कर दिया कुछ चार पाँच साल तक के उनके ऊपर चपरासी बैठे रहे कि कोई आए ना जाए पाँच साल के बाद चपरासी भी भाग गए वहाँ से वो बिल्कुल खाली पड़ा रहता है जो बच्चे हैं ना लोकल वहाँ जाके अंदर खेलते हैं खेलते हैं वहाँ पर अंदर जाके अब वो मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या रेडियो एक्टिविटी का लेवल क्या है क्या नहीं है लेकिन यकीन किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के करीब जाके खेलना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है तो ये वो सोल्यूशन है जिनका मतलब जिनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है इस वक्त कुछ लोगों ने कहा कि इसके रॉकेट में भर के ऊपर भेज दें और वो दो रॉकेट का तो हमें पता है क्या हुआ वो फट गए थे जाने से पहले तो अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा तो इस वजह से उन्होंने उनकी समझ में बात आई कि भाई ये अच्छी बात नहीं है कोई और बात करते हैं तो वो और बात अभी तक के किसी की समझ में नहीं आई